नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन भंडार में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, पाचन तंत्र की क्लासें चल रही थी। पाचन तंत्र ये चल रहा था, कहाँ तक पढ़ा लिया था? अच्छा, बढ़िया, ठीक है। क्या पढ़ लिया था अपन ने? मुख पढ़ लिया था, क्योंकि पाचन का आरंभ या शुरू मुख से ही होती है। मुख में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का पचना शुरू होने लगता है, तो शुरुआत, अगर जो शुरुआत स्टेज है या शुरुआत पाचन कहां से होगा, तो शुरुआत मुख से होगा, ठीक है। मुख के बाद क्या आया था? भोजन नलिका, ठीक है। भोजन नलिका का कोई काम तो था नहीं, भोजन नलिका का सिर्फ इतना काम था कि जो मुंह में खाया हुआ जो भोजन है वो पाइप के द्वारा पेट में जाए, ठीक है। तो तीसरा स्टेप क्या था? पेट या आमाशय, ठीक है। पेट या आमाशय हो गया, अब पेट में पहुंचेगा तो पेट में कहां पहुंचेगा? फिर छोटी आंत के कहां पहुंचेगा? डेडुनम वाले पार्ट में। कहां पहुंचेगा? डेडुनम वाले पार्ट में, ठीक है। छोटी आंत हो गया। छोटी आंत में क्या क्या पढ़ लिया था अपने ने? छोटी आंत में दो चीजें पढ़ी थी, एक तो लीवर और एक अग्नाशय। दो चीजें कंप्लीट की थी, लीवर और अग्नाशय, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और लीवर से तो क्वेश्चन उठना है, अग्नाशय से नहीं आए, ठीक है, लेकिन लीवर से तो आना ही आना है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा था? छोटी आंत के बाद क्या पढ़ना था अपन को? बड़ी आंत, और फिर पढ़ना था अपन को एमएस, ठीक है। तो यहां तक तो अपना कंप्लीट हुआ था, छोटी आंत तक। कहां तक? छोटी आंत तक कंप्लीट कर लिया था अपन ने। तो लीवर भी पढ़ लिया था, अग्नाशय भी पढ़ लिया था, ठीक है। अब अपन को पढ़ना है बड़ी आंत। क्या पढ़ना है? बड़ी आंत, ठीक है। तो इसके बाद बड़ी आंत पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे? बड़ी आंत। हेडिंग लगाओ बड़ी आंत, लार्ज इंस्टेंस टाइम, इंग्लिश में बोलते बड़ी आंत, ठीक है। अब बड़ी आंत को पढ़ेंगे अपन, हेडिंग लगाओ, ठीक है, बड़ी आंत। बड़ी आंत के बारे में थोड़ी बहुत पहले ही जानकारी दे चुकी थी, ठीक है। जो इसकी लंबाई है वो कितनी होती है? 1 से 1.25 तक, 1 से 1.25 या 1.5 तक, हाईएस्ट इतनी होती है, ठीक है। और जो इसका व्यास होता है 3 इंच। 3 इंच व्यास होने के कारण इसे बड़ी आंत कहा जाता है, और छोटी आंत का व्यास 1 इंच होने के कारण उसे छोटी आंत कहा जाता है, ठीक है। व्यास के जरिए ही नापा गया है कि ये छोटी आंत है या बड़ी आंत है, ठीक है। क्या क्या? और इससे पहले क्या पढ़ा था अपने? छोटी आंत में पढ़ा था, जो छोटी आंत पढ़ रही थी, तो लास्ट वाला भाग क्या था? इलियम, डेडुनम, ठीक है। तो पहला डेडुनम था DJI, इलियम पढ़ना था, डेडुनम, जजुनम और इलियम। इलियम में क्या पढ़ा था अपन ने? जो इलियम में पढ़ा था कि इलियम में एक ऐसी संरचना होती है, ऐसी, जिसे दीर्घ रोम कहा जाता है, दीर्घ रोम या बिली भी बोलते हैं, ठीक है, दीर्घ रोम या बिली बोलती है। ये इसके पिछली क्लास में पढ़ा था, और जिसने भी इससे पिछली क्लासें नहीं देखी हो तो कृपया करके पहले वो क्लासें देखें, उसके बाद आगे की क्लासें कंटिन्यू करें, तभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और कहीं डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन भंडार नाम से, आप उस पर अपना डाउट पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ था? ये ब्लड सेल्स भी थी, और यहां क्या है? भोजन पच गया था, ठीक है, यहां भोजन पच गया था, लेकिन यहां पर भी जो भोजन नहीं पचा था, यहां पर
जो भोजन नहीं पचा था वो कहां पहुंचेगा, वो भोजन पहुंचेगा बड़ी आंत में, कहां पहुंचेगा बड़ी आंत में। तो छोटी आंत में जो नहीं पचा, नॉर्मल सी बात है, बड़ी आंत में पहुंचेगा। जैसे ये था, ये था अपना, कुछ इस प्रकार से बड़ी आंत होती है, यहां से छोटी आंत का जॉइंट होता है, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार बड़ी आंत बनी हुई होती है अपनी, ठीक है, ये बड़ी आंत इस प्रकार कुछ बनी हुई होती है, ठीक है। तो बड़ी आंत है जो, बड़ी आंत को जिस प्रकार छोटी आंत को तीन भागों में बांटा था, छोटी आंत को तीन भागों में बांटा था, उसी प्रकार बड़ी आंत को भी तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में, ठीक है। तो लिखो, नोट लगाओ कि बड़ी आंत को तीन भागों में बांटा गया है, बड़ी आंत को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला शिक्कम, दूसरा कोलोन, शिक्कम या कोलोन, सीकम या शिक्कम या कोलोन, पहला शिक्कम या सीकम, दूसरा कोलोन, ठीक है, तीसरा, पहला सीकम, दूसरा कोलोन, तीसरा रेक्टम, रेक्टम, ठीक है। सीकम, कोलोन, रेक्टम, तीन भागों में बांटा गया बढ़िया आपको, कोलोन, सीकम, कोलोन और रेक्टम। और जो कोलोन होता है ये सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग जो बड़ी आंत का है। और मोस्टली यही पूछते हैं कि बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग कोलोन होता है। क्या होता, बोल बोल, कोलोन, सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, कोलोन, ठीक है। तीन भागों में बांटी गई है बड़ी आंत, सिक्कम, कोलोन, रेक्टम, ठीक, क्या, सिक्कम, कोलोन, रेक्टम, ठीक। इस पे आगे देखें, यहां जरा जो बड़ी आंत है, इस प्रकार यहां से छोटी आंत से जॉइंट रहती है, ठीक है, कुछ इस प्रकार की बनी हुई होती है अपनी बॉडी में, ठीक है, बड़ी आंत। अब तीन पार्टों में विभाजित है, सिक्कम, कोलोन, रेक्टम, ठीक है। एक बार रिकॉल करें, बड़ी आंत इसका व्यास तीन इंच है, इसकी लंबाई एक से सवा या हाईएस्ट डेढ़ तक होती है, ठीक है। जो भोजन छोटी आंत में नहीं पचता वो कहां आगे पचता है, बड़ी आंत में, ठीक। तो बड़ी आंत के तीन पार्ट, सिक्कम, कोलोन, कोलोन और रेक्टम, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा भाग होता है अपना कोलोन, ठीक, इतना हुआ, सबसे बड़ा भाग कोलोन, ठीक। जो सिक्कम होता है, सीकम होता है, इसके यहां कुछ कीड़े के आकार की एक ये क्या है, अपेंडिक्स, क्या है, अपेंडिक्स बोलते ना कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन, डॉक्टर लोग बोलते ना कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया। अपेंडिक्स है क्या, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स क्या है, जो बड़ी आंत के सिक्कम वाले पार्ट के बिल्कुल जो नीचे है यहां एक मांस की बनी हुई होती है, ठीक है, तो ओनली मांस ही मांस का रहता है, जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। तो जो अपेंडिक्स है इसका क्या काम है, पहले तो लिखें अपेंडिक्स है क्या,
अपेंडिक्स है क्या? तो लिखो अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। अब ये वर्ड कौन सा आ गया? अवशेषी। अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग मतलब अवशेषी अंग वो अंग होते हैं जिनका कुछ काम नहीं है, जिनका कुछ काम नहीं है वो अवशेषी अंग है, जिनका कोई काम नहीं है वो अवशेषी अंग है। क्वेश्चन ये है कि जब इसका कुछ काम है ही नहीं तो ये शरीर में दी क्यों है, शरीर में ये क्यों दी गई है, जब उसका कुछ काम ही नहीं है तो किस लिए दी गई है? तो बहुत पुराने जमाने की बात है, मतलब हमारे जमाने की बात है, जब बंदर हुआ करते थे मानव, तो उस टाइम क्या था, रोटी सब्जी तो कोई खाता नहीं था, रोटी सब्जी तो कोई खाता नहीं था, ठीक है, तो घास फूस खाते थे, ठीक, तो घास फूस खाते थे, तो जो अपेंडिक्स है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक एंजाइम बनाती थी जिससे उसका पाचन होता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये समय आया, इस समय कोई घास फूस तो खाता नहीं है, सब रोटी सब्जी खा रहे हैं, तो इसका कोई काम नहीं है, जो अपेंडिक्स है इसका कोई काम नहीं है, ठीक, अब इसका कोई काम नहीं है, इसीलिए इसे अवशेषी अंग कहा गया, क्योंकि इसका कोई यूज ही नहीं है जब इसका, और इसे काट के भी फेंक दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे कभी कभार सुना हो किसी के मुख से कि उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ या डॉक्टर ने उसे काट अपेंडिक्स को काट के फेंक दिया, क्योंकि अपन लोग भोजन करते रहते, कुछ भी खाते रहते, जो टॉक्सिक एलिमेंट रहते वो आके अपेंडिक्स में फंस जाते हैं, और जब वो ज्यादा फंस जाते तो अपेंडिक्स क्या है, मांस का टुकड़ा है, एक मांस का टुकड़ा है अपेंडिक्स, तो क्या करता है, फूल जाता। अपेंडिक्स एक मांस का टुकड़ा है जो कि फूल जाता, और फूल जाता तो दर्द होने लगता पेट में, फूल जाएगा तो क्या होने लगे, दर्द होने लगेगा, ठीक है। तो फिर अपन डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा, या तो शुरुआत होगी तो दवाई दे देगा तो सही हो जाओगे, वरना इसे काट के फेंक देगा, उससे कोई उसका यूज ही नहीं है क्योंकि ये अवशेषी अंग है, ठीक है। तो अपेंडिक्स कहां रहता है, सिकम, यस, सिकम वाले भाग से में अपेंडिक्स रहता है, ठीक है। और कोलन सबसे बड़ा भाग होता है, और यहां एक पाउच की तरह ये क्या है, रेक्टम, जो रेक्टम है, रेक्टम वाले भाग के जस्ट नीचे, यहां ये रेक्टम वाला भाग आ गया अपना, ठीक है, यहां जस्ट नीचे, ठीक है, यहां क्या रहता है, इसके जस्ट नीचे रहता है एनस, जिससे जो बेस्ट फूड है उसे बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ये कौन से भाग में रहता है, रेक्टम या लास्ट वाले भाग में, तीन भागों में बांटा गया है, और अपेंडिक्स में रहती है, सिकम में रहती है, और कॉलन उसका सबसे बड़ा भाग होता है, और एनस कहां रहती है, रेक्टम, रेक्टम वाले भाग में एनस रहती है, एनस यहां बिल्कुल पाउच जैसा रहता है यहां पे, ठीक है, जिसके द्वारा वेस्ट जो फूड रहता है या फेसेस उसे बाहर निकालती है, ठीक, इतना हुआ। इसके बाद क्या है, इसमें सबसे ज्यादा या फिर अपेंडिक्स पूछा जाएगा, अपेंडिक्स कहाँ है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड में होता है अपेंडिक्स, और जब भी कभी खाना खाने के बाद पेट दर्द करे तो जरूर डॉक्टर से दिखवाएं, ऐसा ना हो कि अपेंडिक्स, अगर कभी कभार क्या होता है अपेंडिक्स अंदर ही फट जाता, और अपेंडिक्स यदि अंदर फट गया तो डेथ होने के चांस बढ़ जाते हैं, शायद उस इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो इसे हल्के में ना लें, अगर दर्द होता है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें, ठीक है। इसके बाद देखिए अपेंडिक्स हो गया अपना, ठीक, बड़ी आंत क्या चल रहा है, बड़ी आंत, बड़ी आंत कंप्लीट नहीं हुआ अभी, बड़ी आंत, बड़ी आंत को क्या कहा जाता है, बैक्टीरिया ऑफ हाउस, मतलब जीवाणुओं का घर, जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत को क्या कहा जाता है, जीवाणुओं का घर,
किसका घर? जीवाणुओं का घर। तो बड़ी आंत को जीवाणुओं का घर कहा जाता है। और कौन से जीवाणु? ई कोलाई, ई कोलाई जीवाणु, ई कोलाई जीवाणु होते हैं। ये जो इंसान है, हम और आप हैं, ये नुकसानदायक नहीं होते। माना कि जो बड़ी आंत है उसे जीवाणुओं का घर कहा जाता है, जो बड़ी आंत है उसे जीवाणुओं का घर कहा जाता है। क्या क्या मोटिवेशन? क्या अरे यार, मोटिवेशन किन के लिए होता है? गिरे लोगों के लिए, उठ नहीं पा रहे, मरे जा रहे, मन ही नहीं लगता। तुम लोगों के लिए क्या मोटिवेशन है यार? तुम लोगों के लिए क्या मोटिवेशन बोले? तुम तो खुद एक शेर हो, तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत? मोटिवेशन की जरूरत कब पड़ती है? मोटिवेशन की जरूरत तब पड़ती है तब कुछ काम ही नहीं हो रहा, डले हैं, नहीं पढ़ना, मन ही नहीं लग रहा। अरे तुम तो शेर हो रे, तुम्हें कौन सा मोटिवेशन की जरूरत पढ़ने लगी? और अगर तुम्हें पढ़ने लगी मोटिवेशन की जरूरत, तो पढ़ेगी किसे नहीं? सपना देखो, इससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है, उसे साकार करके दिखाओ, यही मोटिवेशन है। कुछ नहीं है जिंदगी में, जो सोचा है वही करके दिखाओ, यही सबसे बड़ा मोटिव। अगर सूरज की तरह तुम्हें रोशनी देना, चमकना है, तो सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा। बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं जीता करते, समझ में आ रहा? बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं जीता करते, घर बैठ के थोड़ी जीत लोगे, पढ़ना पड़ेगा भाई, तब होगा कुछ। ठीक है, क्या है बड़ी आंत? बड़ी आंत को क्या कहा जाता है? जीवाणुओं का घर। कौन सा जीवाणु? ई कोलाई जीवाणु रहता है। अब जब ई कोलाई जीवाणु रहता है, ठीक, ये हो गया। इसके बाद जो छोटी आंत से अपचित भोजन था, जो अपचित भोजन छोटी आंत से कहां आएगा? बड़ी आंत में आएगा। जो अपचित भोजन है वो छोटी आंत से कहां आएगा? बड़ी आंत में आएगा। ठीक है, तो बड़ी आंत में आएगा तो क्या करेगा? जो जब भोजन बड़ी आंत में आएगा तो जो ई कोलाई जीवाणु है, जो ई कोलाई जीवाणु है, ये क्या करेगा? भोजन है अपचित, अपचित भोजन है, अपचित भोजन जब बड़ी आंत में आएगा, और यहां कौन सा जीवाणु है? ई कोलाई, ई कोलाई जीवाणु है, वो इसे किसमें बदल देगा? फेसेस या मल, फेसेस या मल या वेस्ट फूड, या वेस्ट फूड में बदल देगा। ठीक है, किसमें बदल देगा? जो अपचित भोजन है उसे फेसेस या मल, जिसे वेस्ट फूड भी बोलते हैं, उसमें ये बदल देगा। क्योंकि जितना पचना था छोटी आंत में पच चुका था, इसके बाद बड़ी आंत में आया। बड़ी आंत क्या है? जीवाणुओं का घर है। तो उसमें किसमें बदल दिया? उसने उसे मल में बदल दिया है। तो ये अपन का क्या है? सहायक है। ये क्या है? हम लोगों में सहायक का काम कर रहा है जीवाणु। ऐसा थोड़ी होता है कि बिना स्वार्थ के कुछ नहीं होता सबका, और इस धरती पे बिना स्वार्थ का तो कुछ है ही नहीं। तो इनका भी स्वार्थ है इसमें, क्योंकि जो मल होता है, जो फेसस होता है, ये जीवाणु उसे फिर खाने लगता है, उसे खाने में यूज होता है। अब किसी को रहने को, घर दे दो, खाने को भोजन दे, तो क्या चाहिए इंसान को? वैसे इनका भी है, खाने को घर दे दिया, रहने को घर दे दिया, खाने को भोजन दे दिया, क्या चाहिए? ठीक है, तो इसलिए ये सहयोग करता है। अब हमेशा चलता रहता है लेन देन का सिस्टम। तुम मुझे 10 रुपए दोगे, जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें 20 दूंगा। कभी तुम्हें जरूरत पड़ी तो मेरी मदद करोगे, तो तुम्हें आशा रहेगी कि वक्त आने पर ये इंसान भी मेरी मदद करेगा। तो वही इनका भी सिस्टम है, इन्हें खाने को भोजन मिला, रहने को घर मिला। ठीक है, अब ये जो ई कोलाई जीवाणु है, ये हमें क्या देगा? ये ई कोलाई जीवाणु है, ये हमें क्या देगा?
जो जीवाणु ई कोलाई है जो अपन को क्या देगा, B12 और K, जो विटामिन है विटामिन B12 और K, क्या है विटामिन B12 और से भी तो ले रहा, हमसे भी तो वो ले रहा है, क्या ले रहा है, एक तो घर दे रहा है उसे हम और दूसरा खाने को दे रहा है, तो वो हमें क्या देगा विटामिन B12 और विटामिन K वो हमें देता है, ठीक है समझ में आया, विटामिन B12 और K वो हमें देगा, और जब लेन देन का काम चलता है तो क्या होता है, वो है सहजीवन, क्या सहजीवन का संबंध बनता है, किसका संबंध बनता है सहजीवन, मतलब तुम मुझे सहयोग करो मैं तुम्हें सहयोग करूंगा, किसका संबंध बनता है सहजीवन का संबंध बनता है, ठीक है। बड़ी आंत जो मोस्टली बड़ी आंत है, यहां बड़ी आंत होती है, खत्म नहीं हुई लेकिन मोस्टली पढ़ लिया है बड़ी आंत का, और एक और मेन काम होता है जो बड़ी आंत का होता है, एक और मेन काम होता है पानी का अवशोषण, क्या होता है पानी का अवशोषण, क्या करना होता है पानी को सोखता है, जो बड़ी आंत होती है पानी का अवशोषण, पानी को सोख लेती है, ठीक है। तो इतना क्या है, ये इतना क्या जो बड़ी आंत है यहां उसे खत्म करते हैं, और ठीक है बड़ी आंत खत्म होती है, एक बार उसे रिकॉल करें, बड़ी आंत में क्या क्या पड़ा था, बड़ी आंत, बड़ी आंत की लंबाई 1 से 1.25 या 1 से 1.5 तक होती है, ठीक है, उसका व्यास 3 इंच होता है, बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, सिक्कम कोलोन रेक्टम, ठीक है किसमें, सिक्कम कोलोन रेक्टम, जो कोलोन होता है कोलोन बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। इसके बाद दो अपने पास और पढ़ने को है, इधर से अपेंडिक्स उधर से एनस, अपेंडिक्स कहां होता है जो सिक्कम होता है, सिक्कम के जो नीचे होता है मांस का टुकड़ा, ये अपेंडिक्स होता है, ठीक है, और रेक्टम के जो नीचे होता है उधर एनस होता है, ठीक है इतना हो गया था, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ा था, इसके बाद जो बड़ी आंत है वो क्या है, बैक्टीरिया का घर है, ये किसका है बैक्टीरिया का घर है, और कौन से बैक्टीरिया, ईकोलाई बैक्टीरिया, ईकोलाई बैक्टीरिया का घर है ये, ठीक है। तो जो ये वो बैक्टीरिया है जो हमें सहयोग करते हैं, ठीक है, ये हमें नहीं कुछ देंगे तो ये हमें कुछ देंगे, तो जो ईकोलाई बैक्टीरिया है इससे हमें क्या मिला था, विटामिन B12 और विटामिन K, और बदले में हमने ने क्या दिया था, रहने को घर खाने को भोजन। जो छोटी आंत से भोजन आता है तो ईकोलाई बैक्टीरिया उसे फेसस या मल में बदल देता है, ठीक है, जिसे हम एनस के थ्रू रिमूव कर देते हैं, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक, यहीं खत्म होती है, इसके आगे अपन आगे पढ़ेंगे एक अगला चैप्टर, इसके आगे अगला चैप्टर होगा, ठीक है, वो भी अगली क्लास से होगा, ठीक है। और जुड़े रहें हमारे चैनल से, वीडियो को देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें, और यदि कोई डाउट आता है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन भंडार नाम से, आप उस पर अपना डाउट पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर बिल्कुल मिलेगा और विधिवत रूप से मिलेगा। जय हिंद।